नमस्कार। संस्कृति और सभ्यता के क्रम में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। वैसे तो तरक्की के मापदंड और भी हैं जिन पर हम खरे उतरे हैं, पर ये सोचकर गर्व महसूस होता है कि 66 वर्षों का ये सफ़र हमारे देश ने बहुत ही सफलता के साथ पूरा किया है। 66 वर्ष इसलिए क्योंकि 2 शताब्दी से अधिक तक हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे और सन 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इसके पीछे छिपी हैं वो लाखों करोड़ों कहानियाँ, वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया हमें आज़ादी दिलवाने में। ऐसे सेनानियों को हमारा नमन है। और इन सब में शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो हमारे जहन में आता है वो है महात्मा गांधी का। हम सब के प्यारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है पोरबंदर। पोरबंदर में एक है कीर्ति मंदिर, जहां 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। कीर्ति मंदिर महात्मा गांधी की याद में बनवाया गया। यह पहले 3 मंजिल का घर था। इसके नए रूप की नींव 1947 में रखी गई और 1950 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। 27 मई 1950 को आम जनता के लिए यह स्मारक खोला गया। इस मंदिर की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि गांधी जी के 79 वर्षों के जीवन की सूचक है। इसके प्रवेश द्वार पर गांधी जी के संपूर्ण जीवन की कहानी क्रम से लिखी हुई है। अंदर जाने पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी की तस्वीरें रखी गई हैं। उनकी तस्वीरों के नीचे सत्य और अहिंसा लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी के जीवन के मूल आधार थे। कीर्ति मंदिर में गांधी जी के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ पर स्थित संग्रहालय से गांधी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ के एक कक्ष में कस्तूरबा पुस्तकालय है और पास में वह कमरा है जहाँ गांधी जी अध्ययन करते थे। यहाँ का प्रमुख भाग है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए। इस जगह पर स्वस्तिक का चिन्ह बना है। इस तरह पोरबंदर का कीर्ति मंदिर महात्मा गांधी के पूरे जीवन को दर्शाता है। वैसे तो हम सब गांधी जी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन उनके बारे में और जानने की हमारी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो संजोए हुए हैं, उनकी यादें, उनका जीवन जो दिखलाता है हमें, वो एक हल्की सी झलक जो हमें ले जाती है इतिहास में पीछे गांधी जी के पास। ऐसा ही कुछ प्रयास किया है हमने आज। आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर गांधी जी की यादें बावस्ता हैं, जहाँ से आज भी उनकी खुशबू मिलती है। सत्याग्रह आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का वो एक ऐसा मोड़ था जिसने हमें एक नई दिशा दी और जो हमें ले आया 15 अगस्त 1947 तक। हम आज़ाद हुए और हमने गर्व से अपना तिरंगा झंडा फहराया। गांधी जी इस आंदोलन के मुखिया थे। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की साबरमती आश्रम से। हमारा अगला पड़ाव है साबरमती। साबरमती ये केवल जगह का नाम नहीं है, अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो यहाँ से हमें गांधी जी के पदचिन्ह मिलते हैं और साथ ही साथ हमें याद दिलाते हैं उस अमर आत्मा की
जिसने एक सपना देखा था, भारत का, आजाद भारत का। साबरमती पश्चिमी अहमदाबाद का विकसित क्षेत्र है, जो साबरमती नदी के किनारे बसा है। साबरमती आश्रम वह स्थान है जिसे 1915 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम के रूप में स्थापित किया था। 17 जून 1917 को इसे साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया। यही वह महत्वपूर्ण स्थान है जहां से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। वर्तमान में साबरमती आश्रम में गांधी स्मारक संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1963 को किया। आश्रम में स्थित गांधी जी के निवास स्थान को हृदय कुंज कहते हैं। आश्रम में एक अतिथि गृह भी है जिसे नंदिनी नाम दिया गया है। आश्रम में स्थित उपासना मंदिर में प्रार्थनाएं की जाती हैं। यहीं पर स्थित है मगन निवास। मगन लाल गांधी गांधी जी के भतीजे थे, जो आश्रम से सभी व्यवस्थाएं देखते थे। उनके विषय में गांधी जी कहते थे, ये आश्रम की आत्मा है। साबरमती आश्रम में 3 गलियारे हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। पहला गलियारा है गांधी जी अहमदाबाद में। इसमें 1915 से 1930 के बीच गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। दूसरे में उनके जीवन से जुड़ी चित्रकारी की गई है। तीसरे गलियारे का नाम है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जिसमें गांधी जी के जीवन को बदल देने वाली घटनाओं को ऑयल पेंटिंग और फोटोग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। हर साल यहां 7 लाख लोग आश्रम देखने के लिए आते हैं। इस तरह साबरमती आश्रम में आज भी गांधी जी की स्मृतियां सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र में वर्धा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है एक जगह जिसका नाम है सेवाग्राम आश्रम। किसी समय में ये शी गांव के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, और फिर इन्होंने अपना घर बनाया शी गांव में, जिसे इन्होंने नाम दिया सेवाग्राम। सेवाग्राम यानी सेवा का गाँव। महात्मा गांधी की सोच और व्यक्तित्व की परिभाषा यहाँ आज भी मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी आहट आज भी यहाँ मिलती है, साथ ही साथ आहट मिलती है उन तमाम कदमों की जो उनके साथ जुड़ चुकी थी उनकी इस यात्रा में। और इस यात्रा का अंत हुआ लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने के साथ। कैसे रहे होंगे वो दिन जब कोई कहीं सोच रहा था स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में, ताना बाना बुन रहा था एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसे लड़ा जाए
बिना खून बहाए और बिना असत्य का सहारा लिए। बहुत आसान है ये कहना कि सेवाग्राम एक तीर्थ स्थान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये सोचना कि महात्मा गांधी यहाँ रहते थे और दिन रात 2400 घंटे भारत की आज़ादी के बारे में सोचा करते थे। भारत की आज़ादी अंततः हमें मिली। हो सकता है कि सेवाग्राम एक तीर्थ हो, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये किसी की कर्मभूमि भी है, जिसकी परछाई आज भी यहाँ देखी जा सकती है। सेवाग्राम। इस गांव का नाम पहले शी गांव था, जिसे महात्मा गांधी ने सेवाग्राम नाम दिया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह शुरू किया था और ये प्रण लिया था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी वे साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। गांधी जी ने शी गांव को अपना घर बनाया और इसे नाम दिया सेवाग्राम। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कार्य सेवाग्राम से ही किए। यहीं पर सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित पहली बैठक की गई थी। जब गांधी जी वर्धा से सेवाग्राम आए थे तो उन्होंने एक अमरूद के पेड़ के नीचे आराम किया। वह अमरूद का पेड़ गांधी जी की पहली कुटी था, जिसे आदि निवास कहा जाता है। उसके बाद आदि निवास में स्थान कम होने के कारण गांधी जी के लिए वहीं एक और कुटिया बनाई गई, जिसे बापू कुटीर कहा जाता है। इस कुटीर के पास एक खास स्थान है जहां बापू सूर्य स्नान किया करते थे। सेवाग्राम आश्रम में ही स्थित है बा कुटीर, जिसे जमनालाल बजाज ने कस्तूरबा गांधी जी के लिए बनवाया था। यहीं पर स्थित है आखिरी निवास, जिसे जमनालाल बजाज ने स्वयं के लिए बनवाया था, लेकिन वे बहुत कम समय के लिए वहां रहे। सेवाग्राम आश्रम में ही स्थित है प्रार्थना भूमि, जहां बापू अपने साथियों के साथ सायंकाल में प्रार्थना करते थे। इस आश्रम में ही स्थित है एक और कुटीर, जिसे परचूरे कुटीर नाम दिया गया है। आचार्य परचूरे संस्कृत के विद्वान थे। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, तब गांधी जी ने उनके लिए कुटीर बनवाया और उनकी बहुत सेवा की थी, जिससे वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। आश्रम में गांधी जी ने रसोई घर भी बनवाया और जाति धर्म के आधार पर हो रहे भेदभावों को मिटाने के लिए हरिजनों को वहां खाना बनाने का कार्य दिया। संग्रहालय में बापू की टाइप मशीन, अलमारियां, किताबें, खड़ाऊं आज भी सुरक्षित है। आश्रम में ही स्थित है नई तालीम समिति द्वारा बनाया गया विद्यालय आनंद निकेतन। इस विद्यालय में भारतीय संस्कृति, श्रम और पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। सेवाग्राम सेवा का गांव है, जहां महात्मा गांधी की सादगी और सत्यता की महक आज भी आती है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक तीर्थ स्थल है राजघाट, महात्मा गांधी का स्मारक। दूर से पास से लोग आते हैं यहाँ, शायद बापू को नमन करने, बापू को धन्यवाद कहने। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आप भी आ सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। आप भी यहाँ आकर कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि बापू आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। महात्मा गांधी के जीवन वृत्त के आखिरी पड़ाव राजघाट पर हम उन्हें एक श्रद्धापूर्ण नमन करना चाहते हैं। रघुपति राव राजा राम पतित पावन सीता। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है,
जहां पर उनकी यादों को एक चिन्ह के रूप में हमने संजो कर रखा है। दिल्ली में स्थित है राजघाट। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर यह समाधि स्थल स्थित है। यहाँ काले संगमरमर से बनी समाधि पर गांधी जी के मुख से निकले अंतिम शब्द हे राम उद्धृत किए गए हैं। देश विदेश से आए लोग और विशिष्ट लोग यहाँ आकर श्रद्धा से नमन करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर निरंतर जल रही ज्योत उनकी उपस्थिति का आभास कराती है और उनके सुनहरे भारत की कल्पना को साकार करने की प्रेरणा देती है। आज हम हमारी गांधी जी के जीवन वृत्त से जुड़ी यात्रा का राष्ट्रपिता के प्रति शत शत नमन के साथ समापन कर रहे हैं। श्रद्धा के फूल समर्पित हैं उनको। ये यात्रा यहीं खत्म होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कभी नहीं कहा जा सकता। बाकी जो बचता है वो है एक कृतज्ञ देश का नमन, शत शत नमन बापू के लिए, महात्मा के लिए।